तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें हम लोग क्या करना है कि ये न्यूक्लियस है, ये जो है वो बेसिकली एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक हुआ है, दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, और विच हैव देयर वेलोसिटी, मतलब दो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हुआ है, ये मास एम वन और ये मास एम टू, और एम वन की एम वन, और मान लो ये एम वन वेलोसिटी वी वन से इधर जा रहा है और ये जो है वेलोसिटी वी टू से जा रहा है। तो ये कह रहे हैं वी वन अपॉन वी टू की जो वैल्यू है वो 3/2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी, रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर साइज कहता है, रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर साइज मतलब रेडियस, ये जो है इसका मास एम वन है, इसका रेडियस आर वन है और इसका रेडियस आर टू है। तो ये कहते हैं न्यूक्लियर का साइज, साइज कौन बताता मेरे भाई, रेडियस कितना बड़ा है मेरे भाई, साइज। तो आर वन अपॉन आर टू दैट इज एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 1/3 है, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली मैं रेडियस रेडियस निकाल लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले ये इनिशियल सिचुएशन में इनिशियली मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो न्यूक्लियस का जब को डिसइंटीग्रेट से पहले। अब जब इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी तो जीरो होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ भाई, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो तभी होगा जब ये फूटेगा तो हमेशा दो पार्ट में ही मूव करेगा, अगर दो पार्ट में मूव किया है, नहीं अगर दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट किया है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा मेरे भाई, ठीक है, चाहे जिधर भी है अपोजिट ही मूव करेगा। तो अगर एक का मोमेंटम एम वन भी हुआ तो दूसरे का मोमेंटम एम टू बी टू होगा, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब एम वन बी वन बराबर होगा एम टू बी टू मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसका मतलब ये हुआ कि वी वन अपान वी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम टू अपान एम वन के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब न्यूक्लियस एक ही है तो उसकी डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट होगी ना, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रो क्या होगा, कांस्टेंट होता भाई। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी अब पहले वाले दूसरे वाले के बराबर होगा, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास एम वन अपॉन वॉल्यूम वी वन इज इक्वल टू मास एम टू वॉल्यूम वी टू, और मैं इसको बड़े आराम तरीके से लिख सकता हूँ वी वन, तो 4/3 पाई आर वन की पावर क्यू इज इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर टू की पावर क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम देखोगे R1 वन अपन आर, तो M1 वन अपन एम टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो R1 वन अपन आर टू की पावर ये क्यू है, तो हमें साइज की रेशियो यहाँ से मिलने लगेगा, तो साइज की रेशियो R1 वन अपन आर टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो M1 वन अपन एम टू की पावर 1/3 आ जाएगा, और M1 वन अपन एम टू किसके बराबर है भाई, M1 वन अपन एम टू है वी टू अपन वी वन की पावर 1/3, ठीक है। और b1 अपन b2 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ऊपर में, देखो b2 अपन b1 2/3 है, तो ये आ जाएगा 2/3 दैट इज 1/3, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, और दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। कोई फार्मूला वर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है यार।